अगर मरे तो गधा होए और काशी मरे तो देववासी होए। समय तुम गुजारा जदारे मोहम्मद तमाशा दिखाने की कोशिश न करना, अगर पासा है तुम्हारे मोहम्मद की बात खिलाने की कोशिश न करना, तुम्हें क्या फिक्र दिल मले या जले जा। ये सामने वो समाधि स्थल है जिसमें बाकायदे देखिए ये बात लिखी भी है कि दिन में रोजा रहत है रात हनत है गाय और यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदा है। और दोनों को कहा, ये जो हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड है और जो इस्लाम के नाम पर पाखंड है, दोनों को चुनौती देने की शख्सियत का नाम है कभी। क्या काशी क्या उसर मघर, ये पंक्तियां बोलते हुए कबीर दास करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जमीन, ये कबीर की धरती है, नाम है मगहर। यहाँ कबीर ने अपने अंतिम सांस लिए और अपनी देह का त्याग किया। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ मगहर में, और इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर कबीर साहब की मजार भी है और इनकी समाधि भी है, तो दोनों में किस तरह का टकराव हुआ था, क्या कबीर की कहानी थी, वो सब जानने के लिए हम लोग आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और भक्ति काल में कबीर को भी पढ़ाते हैं, तो ये एक तरीके की वैचारिक ट्रेनिंग देने वाले हैं हमको, और ये कबीर का जो पूरा का पूरी विरासत है इसके बारे में बात करेंगे। तो आई एक्साइटेड, मुझे तो मजा आने वाला है, बहुत बहुत रोमांचक हूँ और मैं भी पहली बार आया हूँ। अब तक कबीर को पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, आज कबीर के इस समाधि स्थल पर खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि महसूस कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और महसूस करते हैं कबीर को, आप भी चलिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब जी, जहाँ कबीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए, बिल्कुल, और उनकी परिनिर्वाण स्थली है, तो मतलब एक अलग ही अनुभूति हो रही है फिलहाल तो यहाँ। बिल्कुल, कबीर साहब ने कहा ना कि हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुतला, जो भी खेले माए। मतलब वो ऐसी शख्सियत जिसे जिसे आप असल में कहते हैं ना कि भारत में एक संप्रदायों के परे जाकर के एक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में कबीर साहब हैं। हम वासी उस देश के जहाँ जात बरन कुल नाए, तो कबीर कबीर का मतलब ये है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, एक ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म भाषा किसी के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, उसका ख्वाब देखने वाली शख्सियत का नाम कबीर है। उनका संदेश यही था। हाँ। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ तो जिंदगी भर जो संदेश देते रहे थे कि भाई मिलकर रहो मिलकर रहो, उनकी एक तरफ मजार है। हाँ। और उस तरफ जो है वो समाधि बनी हुई। बिल्कुल, इसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। तो ये जब उनका संदेश था उसने उनके चेलों में दो चेलों में कुछ किस्सा ये मिलता है कि मगहर मरे तो गधा होए और काशी मरे तो देववासी होए, तो ऐसे करके किस्सा ये है। और कबीर साहब खुद काशी में रहते थे और काशी ही उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी, और जब उनको ये बात पता चली कि पूरी उम्र हम पाखंड के खिलाफ लड़ते रहे, किसी भी तरह का जो भेदभाव है, गैर बराबरी है और अंधविश्वास और पाखंड, इन दोनों के खिलाफ मुखर होकर लड़ते रहे। और अभी तो इसमें विवाद है क्योंकि हिंदी साहित्य में कबीर साहब के जन्म को लेकर के अलग किस्सा है कि लहर तारा नामक तालाब के किनारे उनको नीरू और नीमा नामक दो एक मुसलमान दंपति ने उस बालक कबीर को पाया था और उनका पालन पोषण किया, तो पैदा हुए वो विधवा ब्राह्मणी के घरों से और पालन पोषण हुआ नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा परिवार के बीच में। तो अब ये इस किस्से पर दूसरा पक्ष भी ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो विधवा ब्राह्मणी वाला किस्सा जानबूझ के डाला गया है। अच्छा। क्योंकि हर जगह ब्राह्मण या ब्राह्मणी को घुसाया गया है, ये एक विमर्श है। अब इसको हिंदी वालों के खत्ते छोड़ देते हैं, बहुत ऑथेंटिक सूचनाएं नहीं है, लेकिन उससे जो परवरिश में जो एक साझापन था
और जुलाहा जाति को लेकर के तो खुद उन्होंने कहा कि मेरी जाति जुलाहा है और मैं मेहनत करके खाता हूँ, तो तन्ना बुन्ना तजो कबीर। तो ये जो जुलाहा होने का पूरा वो है, वो साझा सांस्कृतिक विरासत का है। तो फिर जब उनके परिनिर्वाण हुआ तो उस समय दो गुट में ये नहीं, उसके क्या होगा? उसके पहले ही पहले से काशी में जब वो रहते थे और लगातार वो एक संदेश देते थे कि पाथर पूजो हर मिले तो मैं पूजो पहाड़ ताते हुए चाकी भली पीस खाए संसार, और काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मिल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये हिंदू तुरंत दुआ नहीं ले रहा, तो वो बात ये कहते हैं कि हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी नहीं। तो वो जो पैगाम पूरे समय देते रहे कि ये जो हिंदू तुरक दोनों भरमे हुए हैं, दोनों भटके हुए हैं, इन दोनों में खुदा नहीं है, खुदा तुम्हारे अंदर है, लोगों कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलू पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो वैसा दो सब श्वासों के श्वास में। तो मंदिर मस्जिद पाखंड इन सब को दूर करने वाले, तो उनके सामने एक चुनौती ये भी, उन्होंने इस चुनौती को कबूल किया और वो काशी में ही रहते थे। और काशी के में रहने वालों के लिए किस्सा है कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और मगर मरे तो गधा हो। और मगर दरअसल एक ऊसर जमीन हुआ करती थी और मृतकी एक पाखंड जोड़ दिया गया, बिल्लियों को नहीं पता है उनका रास्ता काट देने से मनुष्यों का बुरा हो जाता है, लेकिन हम पाखंड जी रहे हैं, तमाम तरह के पाखंड आज भी प्रैक्टिस में होते हैं। तो कबीर साहब के सामने जब ये पाखंड आया तो उन्होंने चुना कि हमने केवल अगर बातों में पाखंड को तोड़ने की बात कही तो ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, तो वो अपनी वाणी को अपने वचन को साबित करने के लिए इधर आए प्रैक्टिस में लेके आए कि वो जो मैं कह रहा हूँ अगर मैं खुद उस पाखंड को मानूंगा, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाते हैं तो लोग अक्सर नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं, लेकिन कबीर साहब याद आने लगता है आखिरी दिन भगवान है। लेकिन कबीर साहब ने एक मैसेज दिया कि आखिरी वक्त में अगर मैं और बड़ा जो तुम्हारा मिथकीय पाखंड है उसको तोड़ूंगा और मगर चले आए जिंदगी के आखिरी वक्त में, और इस जगह पर रह करके उन्होंने उस पाखंड को उस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग और नहीं चाहिए तुम्हारे काशी में रह करके जन्नत वो जो है जहां से तुमको मिलते हो, ये कौन सा पाखंड है कि उसर अब मगर उसर में मिलने पर गधा होगा तो मैं गधा होने तैयार हूं, ये पाखंड को तोड़ना था। उस समय की जो एक विचार जो विमर्श था, आप मुझे अगर में हम जो डिस्कोर्स कहें कि जो डिस्कोर्स स्थापित था पब्लिक डोमेन में उसको सीधी टक्कर, बिल्कुल। और कबीर होने का मतलब यही है, किसी भी पाखंड को किसी भी अंधविश्वास को किसी भी तरह के भेदभाव को सीधी चुनौती मुखर चुनौती बिना किसी लाग लपेट के। और तब ये किस्सा मगर से जुड़ा हुआ रहता है कि जब उनका निधन हो गया, मां परिनिर्वाण हो गया, तो उसके बाद उनके दो भक्त बिजली शाह और वीर बहादुर, इन दोनों लोगों का एक खासा जुड़ाव कबीर साहब से हुआ करता था। अब उन दोनों ने मतभेद कि भाई कबीर साहब मुसलमान है इसलिए हम इनको दफनाएंगे, तो दूसरे ने बोला कि कबीर साहब हिंदू है इसलिए हम इनका दाह संस्कार करेंगे। और देखिए ये भी एक मिथकीय किस्सा ही हो सकता है, मगर इसके पीछे एक पैगाम है कि झगड़ा होने के बाद उन्होंने वो चादर उठाई तो वहां कुछ फूल मिले, उन फूलों को रख करके कुछ लोगों ने दाह संस्कार किया तो वहां उन्होंने समाधि बना दी और जहां उनको दफनाया वहां उन्होंने मजार बना दिया। तो ये मजार कबीर साहब है और वो समाधि कबीर साहब की है, तो दोनों अगल बगल हैं, दोनों अगल बगल हैं, चारधारा हैं, दोनों आपस में बिल्कुल नहीं लड़ती हैं, दोनों एक ही जमीन के टुकड़े पर हैं, दोनों बिल्कुल शान और शौकत से कबीर होने का मतलब इस भारत को समझा रही है। बस विडंबना ये है कि कबीर का भारत बनता तो लोग इसको एक नजीर मानते, जबकि हम ऐसे दौर में हैं जहां मस्जिदें गिरा करके मंदिर बना करके उस राम को स्थापित किया जा रहा है जिसका सबसे ज्यादा नाम तो कबीर ने लिया, लेकिन कबीर के राम दशरथ के राम या वो तीर लेकर के हमला करने वाले हिंदुत्व के राम नहीं थे, कबीर के राम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात है। अंदर जा सकते हैं, आइए अंदर आते हैं जी, आइए। तो ये किस्सा वही मिलता है कि यहाँ कबीर साहब की समाधि है, वो यही है जी जी। तो ये कबीर साहब की समाधि मनवा बनी हुई है, समाधि उस तरह की।
शब्दों का भेद है। तो ये अभी हम जो है अंदर आ रहे हैं मजार के, और ये कबीर साहब की मजार है, और इसका जो निर्माण है वो मुगल कालीन शैली में, ये इस्लामिक स्थापत्य है। और इस इस्लामिक स्थापत्य से जो मेहराब है, मेहराब के भित्ति चित्र जो बनाए गए हैं, जो आकृतियां हैं, वो इस्लामिक स्थापत्य के शैली में है। और ये दिलचस्प है कि यहाँ पर कबीर साहब को इस तरह से याद किया जाता है, और यहाँ सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। यही पर है सबके हैं और सब आते भी हैं। तो ये जो है कबीर साहब का संदेश कि भाई आपस में लड़िए मत, मिलकर रहिए, वो संदेश हम इनके जो प्रतीक स्थल हैं, जो मजार हैं, उससे भी हम ये सबक ले सकते हैं। तो कबीर साहब का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जब लो हमन को इंतजारी क्या। तो वो जो इश्क का पैगाम है वो एक मस्ताना फकीर ही दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसकी दो दो, मैं तो भारत ये कह रहा हूँ, कहने मंदिर में जहाँ पे सब लोग आते हैं, कोई उधर आता है। और यही भारत है जहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम का भेद मिटा करके मजार। मजार से आप बाहर आते हैं तो उसी से ये बगल में आप देखेंगे सटा हुआ है, तो कुछ मजार बनी हुई है। और ये बाबा कमालुद्दीन शाह, ये कबीर साहब, कबीर साहब के पुत्र कहा जाता है, कमाल और कमाली करके उनके एक बेटा। तो उनके बेटे की भी यहाँ पर समाधि है, समाधि मजार आप जो कह लो। और ये नवाब अली बिजली शाह जी, हाँ, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि नवाब अली बिजली शाह ही काशी से मगहर ले आने का किस्सा, हालांकि ये कबीर साहब का खुद चयन है कि वो मगहर जाएंगे, तो उसमें बिजली शाह जी का और राय बहादुर जी का, इन्हीं का फिर वो विवाद भी है। फिर ये जो है यहाँ पे मजार और समाधि साथ साथ बनाई गई, तो ये नवाब अली बिजली शाह जो है उनकी मजार, और बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी भी इस तरह से मजार बनी है। लेकिन वातावरण बहुत मतलब एकदम शांत, और जैसे लगता है कि हाँ कबीर होने का जो मतलब है एकदम शांत और सुकून वाली चीज है। जबकि हम लोग दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो इतनी भाग दौड़ और मतलब दिन रात काम, हाँ, वो उसमें इतनी भगदड़ मची रहती है कि वो सुकून जो है वो पीछे से उड़ जाता है। और कबीर साहब ने लिखा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सीचे सौ भरा ऋतुवाए फल होए। तो वो जो सुकून है वो संत मातिया भक्ति आंदोलन की बुनियाद में है, और उसकी संस्था मनुष्यता और इंसानियत में जो एक खाब है वो कबीर साहब उसके नुमाइंदगी करते हैं, और सबसे बड़ी प्रतीक बन के उभरते हैं। और ये सामने वो समाधि स्थल है जिसमें बाकायदे देखिए ये बात लिखी भी है कि दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय, और यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। और दोनों को कहा, ये जो हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड है और जो इस्लाम के नाम पर पाखंड है, दोनों को चुनौती देने की शख्सियत का नाम है कबीर। दोनों को चुनौती दिया, और फकीर एक ऐसा फकीर कि साये इतने दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहो साधु ने भूखा जाए, तो उधर समाता अन्न ले तने समाता चीर, और अधिक संग्रह ना करे वाको नाम कबीर। तो फकीर होना कबीर होना यह नहीं है कि अरे भाई हम तो फकीर आदमी है झोला लेकर चल पड़ेंगे और 9,000-8,000 करोड़ का मान बनाएंगे, चलने के लिए 10 लाख का सूट पहनेंगे, दिन भर में 20 बार कपड़े बदलेंगे और नाम लेंगे फकीर होने का।
फकीर होने का अर्थ है वी 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 आई हाँ। फकीर वाला और कबीर साहब वो फकीर फकीराना अंदाज वो जो मतलब किसी भी तरह का चालाकी धूर्तता ये सब वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये कबीर होने का मतलब हम आ गए हैं अभी सदगुरु कबीर समाधि ये जो विवाद के बाद में यहाँ पर जो बनाई गई थी समाधि यानी जो कि हिंदू मत को मानने वाले जो लोग थे उनके लिए एक जगह बनाई मुझे अभी भी संदेह है यहाँ मंदिर क्यों लिखा गया है अगर समाधि लिख दिया गया तो फिर मंदिर की जगह मंदिर समाधि दोनों का कोई तालमेल नहीं है लेकिन ये एक विडम्बना यहाँ पर देखिए जी देखिए कितना जो है लिखते हैं कबीर मन मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर तो वही था ना वो मतलब वही मेरे को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास आ तो इस तरह से उन्होंने तो ये आप उधर आएंगे तो कबीर साहब की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। समाधि मतलब हिंदी का शब्द और मजार मतलब उर्दू फारसी जो शब्द है शब्दों का ही फर्क है असल में मानी एक है मानी को आप कैसे बदल पाएंगे समाधि का भी मानी वही है अर्थ वही है मजार का भी वही है कबीर का भी इसमें थोड़ा सा जो है कुछ प्रतीक भी रख दिए गए हैं देखिए मंदिर की घंटी और दीपक वगैरह ये उस तरह से रख दिया गया है ना इसलिए पीछे लिख दिया गया मंदिर मंदिर लिख दिया गया कोशिश यही है कि इसे मंदिर बनाने में हम सफल हो जाए आपकी समाधि मजार यहाँ आकर एक अलग अनुभूति होती है और समाधि और मजार का साथ होना एक संदेश भी है कि भाई सब लोग साथ में रहिए भारत में जो संस्कृति का हवाला दिया जाता है अनेकता में एकता खासकर उस संस्कृति का प्रतीक भी और अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार दें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो कबीर को अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने संविधान बनाते वक्त बाकायदा प्रस्तावना में उनके आर्टिकल्स में ये प्रोविजंस भी डाले हैं जो कबीर से हम कहीं की प्रेरित उनके विचारों से हैं कि हम समता न्याय और बंधुत्व की एक देश बनकर रहेंगे एक नागरिक के तौर पर रहेंगे बिल्कुल और कबीर होने का मतलब भी यही है कि कबीर साहब पूरे जीवन भर जिस चीज से लड़ते रहे वो था बंटवारा इंसान और इंसान के बीच फर्क पैदा करना जी। वो बार बार ये कहते थे कि ये किसी भी तरह से मानववादी है ना तो ये जो समाधि बनी है या वो बगल में मजार है ये एक उस 2021 के भारत के सामने एक सवाल बन करके खड़ा है कि आपने इसे उपेक्षित क्यों कर दिया कबीर को उपेक्षित क्यों कर दिया क्योंकि कबीर इन दोनों के एजेंडे में फिट नहीं बैठते थे कबीर हिंदूवादी राजनीति और दूसरी तरफ की कट्टर इस्लामिक राजनीति इन दोनों के बीच कहीं फिट नहीं बैठते वो दोनों की कट्टरता का या पाखंड का खुला विरोध करते खुला विरोध करते हैं एकदम चैलेंज करते हुए खुला विरोध करते हुए अपनी लेखनी में वो बात को साबित भी करते हैं तो कबीर तो एक विचार है कि जो आपको न्याय की बात सिखाएगा जो आपको कहेगा कि भाई जो दिखता है जैसे बुद्ध कहते हैं कि अतदीपो भव अपनी रोशनी खुद बनिए और तर्क कीजिए वो विचार हमें कबीर से सीखने को मिलता है और कबीर कबीर की फिलॉसफी क्या है ज्ञान परख है इसलिए भक्ति आंदोलन में संत मार्ग को ज्ञान मार्ग की शाखा कहा गया है और वो बार बार कहते हैं गुरु अधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश तो गुरु की अहमियत पूरे संत काव्य में सबसे अहम है और जब तक गुरु नहीं गुरु मिला नहीं साचा तब तक गुरु करो दस पाचा यानी गुरु रोशनी दिखाने वाला है तो वो गुरु की अहमियत और गुरु के जरिए ज्ञान की अहमियत तर्क की अहमियत विवेक की अहमियत वह जो पश्चिम कारणसा था ना जिसने 13वीं 14वीं शताब्दी में पश्चिम को बदल कर रख दिया और वो पश्चिम अपने रेनेसा के बाद औद्योगिक क्रांति से लेकर के विज्ञान और तकनीक की खोजों पर गया और दुनिया पर राज किया उसी दौर में भक्ति आंदोलन भारत में एक रेनेसा का नाम है जिसकी अगुवाई कबीर कर रहे थे तो इस पर मैं एक सवाल लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब की जैसे हम भारत की जो जो उस समय की जो कुरीतियां थी जो समाज में जो बुराइयां थी जब उनसे लड़ाई हुई कुछ लोगों ने लड़ाई की खासकर वो एक एक तबके के लोग थे जो जिसको अपर कास्ट आज के दिन कह सकते हैं उस समाज के जब लोग थे तो उन्हें सुधारवादी और तमाम तरीके के उपमा विशेषण उनको दिए गए
कबीर भी तो पुनर्जागरण करते हैं, तो उनका जिक्र उस तरह से पुनर्जागरण में सुधारवादी के तौर में वो, क्योंकि हम भारत जब बनाते हैं तो भारत में तो कबीर भी तो उस समय पे यही सिखा रहे थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में सिखा के गए हैं। कबीर का मतलब ही है ना त्याग, मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरे तुझको सब पते क्या लागे है मोर। तो एक ऐसी शख्सियत का नाम कबीर है, कछु लेना न देना मगन रहना। लेकिन कबीर के बाद जो भारत बना ना वो लेने देने के समीकरणों पर बनना शुरू हो गया। और जो बात मैं कह रहा था ना कि रेनेसा के बाद उस रोशनी को और बुलंद होना था जिस रोशनी को कबीर ने जलाया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस रोशनी को मध्यम कर दिया और फिर से वही पाखंड हावी हो गया। और विडंबना देखिए, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और हिंदी साहित्य में निर्गुण पंथ के बाद सगुण पंथ आ गया। मूर्ति पूजा पाखंड आडंबर के मुखालफत करने वाले रविदास जी ने पद लिखा है कि जाके सिर सब धोए ढोंत है अजह फिरे बनारसी आस पासा, विप्र सहित आचार सहित विप्र करण दंडौती तिन तले रविदास दासानुदासा। दासों का दास रविदास उनके सामने तन करके खड़ा होता है जिनके सामने विप्र आचार से दंडौती कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास रविदास का, रविदास जी का, कबीर का, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सब सुखी रविदास रहे प्रसन्न। जहां से आयो अमर वा देशवा, सबकी बराबरी सबकी खुशहाली सबके मोहब्बत का पैगाम लिखने वाला रेनेसा का जो नायक कबीर, वो 21वीं सदी के भारत तक आते आते यूं गुणनाम बना दिया गया जैसे उसका यह महापरिनिर्वाण स्थल मगर, जबकि वो ज्ञान और तर्क की बात करते हैं और आज नफरत की बात होती है। वो चेतावनी दे गए थे, मन रगाए रगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गई न बकरा। माया तो देखे माला तो करमे फेरी, जीव फिरे मुखमाए और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाए। तो यह जो दिखावे के पाखंडी लोग थे उन पाखंडियों के लिए चुनौती दे गए थे कबीर की पहचान लो, ये फकीर नहीं है, ये सब ढोंगी पाखंडी लोग हैं। और आज हम ढोंगी पाखंडी लोगों की गिरफ्त में आ गए। और जो संत परंपरा रही है, आगे बढ़ते बात करते हैं, ये दिखाऊं, ये सदगुरु कबीर कुआ लिखा है, तो कबीर साहब जब यहाँ रहते होंगे तो इसी कुएं से पानी निकाल के पिया करते रहे होंगे, तो आज हम उसके बगल में खड़े हैं। और ये कुएं का तो एक इतिहास है भारत में कि किस तरह से एक जाति विशेष के लोगों ने कब्जे किए और बाकी लोगों को प्यासा मरना पड़ा। और प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआ कौन सा चला कि इन कुओं के लिए भी कितनी लड़ाइयां हुई हैं उससे पानी के लिए। कुआ तो छोड़िए, ये जो बुनियादी जरूरत है ना, पानी तो मनुष्य होने की बुनियादी जरूरत थी, उसे पाने में भी, पानी को पाने में भी जाति आ रहे हैं, इतना संघर्ष करना पड़ा। और बाबा साहब के महान आंदोलन से जुड़िए ना, बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम बच्चा जब मंदिर में चला गया पानी पीने तो कैसे गाजियाबाद में उसको किस तरह से पीटा गया। ये जो विचार है कबीर साहब की, अगर इसको हम कबीर पंथी जो विचारधारा कहते हैं, वो आजकल उसका जो भारत में जो दौर है, जो कबीर मत के जो लोग हैं, कुछ संत हैं, कुछ डेरे मठ तरह के बना लिए हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या वो कबीर की विरासत को उस तरह से आगे ले जा रहे हैं या फिर वो कुछ भटक गए रास्ते से? मैं जब कबीर से जुड़े हुए इन सब प्रसंगों पर विचार करता हूं तो एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूं कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हो या भगत सिंह हो, भगत सिंह होना, डॉक्टर अम्बेडकर होना, ये इतनी बड़ी बात है कि जो बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जो विचार था ना उसे वो जीते थे। भगत सिंह आखिरी वक्त तक भी झुके नहीं, कैसे भी माफी नहीं मांगी ना माफी नामे पर पेंशन पर जीवन दिया। वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, वो क्या कहते हैं उनका, उन्हें ये जिद की नया तर्ज जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखे सितम की इंतहा क्या है। सितम की इंतहा तक जाकर के लड़ने वाले लोग, डॉक्टर अम्बेडकर कभी झुके नहीं। वैसे कबीर, कबीर होना या कबीर के बताए रास्ते पर चलना ये संभव नहीं था इस कमजोर रीढ़ के हम जैसे लोगों या इस समाज के लोगों के लिए। इसलिए कबीर को उपेक्षित किया गया, क्योंकि कबीर के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते थे। कबीर होना वो एक बुलंदी है जिसमें विचार और व्यवहार की बुलंदी थी,
और इसलिए कबीर को उपेक्षित किया गया। और आज दो काम किया गया, जो मठों वाला सवाल आपने पूछा ना कि कबीर के बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, तो हम जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं उसका मठ बनाते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, बिजनेस व्यापार करने लगते हैं, इस पर भी चिंता जाहिर करनी चाहिए। जैसे तथागत बुद्ध के साथ भी ये हुआ और ये दिक्कत तो लगभग कबीर आज के समय में सबसे बड़े आइकॉन इस भारत के, लोकतांत्रिक भारत के हो सकते हैं। बाबा साहब ने इसीलिए उन्होंने अपना गुरु गुरु मानते थे, लेकिन कबीर होना एक इतनी महत्वपूर्ण बात है, त्याग की बात है, जिसको कोई उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल दमे दिल जुदावा जदारे मोहम्मद तमाशा दिखाने की कोशिश न करना, अगर पास आए तुम्हारे मोहम्मद जुबा तक खिलाने की कोशिश न करना, तुम्हें क्या फिक्र दिल मले या जले जा, तुम्हें जलते दिल से क्या वास्ता है, चलाते रहो तीर पै तीर लेकिन कभी तीर खाने। नए भारत में कबीर उपेक्षित कर दिए गए और कबीर के बताए रास्ते पर आज कहाँ कौन चल रहा है, क्योंकि कबीर साहब ने लिखा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चले हमारे साथ। तो वो जो घर फूक तमाशा देखने की जो जो काबिलियत थी, जो हुनर था, वो कबीर साहब में था। और इसीलिए आज न तो किसी को अपना घर फूक करके चौराहे पर खड़े होकर के हिम्मत, सच बोलने की हिम्मत है, और न कोई कबीर के रास्ते पर चल रहा है। तो अभी हम दूसरी जगह चलते हैं और कुछ और प्रतीक हैं यहाँ कबीर साहब से जुड़े हुए। हाँ। और बहन जी ने यहाँ पर एक मूर्ति भी स्थापित कराई थी, वो भी दिखाएंगे, उनके शासनकाल में हुई थी। और एक यहाँ पर घाट भी बना हुआ है। हाँ। वो उसकी तरफ लेके चलते हैं, हमें दर्शकों को वो दिखाते हैं। और चलते चलते ये बात है ना कि जैसे कबीर साहब कहते थे कि एक बूंद ते सब उत्पन्ना, सब बराबर है, सब एक है, और वो उसमें कोई फर्क नहीं है। एक जमाने में कैफी आजमी साहब ने लिखा कि आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है इस सीने के उस सीने में। तो यह बात तो हमने समझा ही नहीं। और कबीर साहब इसीलिए उपेक्षित कर दिए गए क्योंकि एक नया भारत जो बनाना था ना, उसे नफरत की बुनियाद पर खड़ा करना था। और जिस जगह हम खड़े हैं तो ये तो मोहब्बत की बुनियाद है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन को इंतजारी क्या। तो ये कबीर होने का मतलब ये है। और इस जगह पर आने के पर ये लगता है कि बाबा साहब होते और तमाम लोग होते तो आज इस जगह की अहमियत को समझते जी, बिल्कुल, और कबीर होने की अहमियत को समझते जी। ये इस तरफ लक्ष्मण जी क्या ये घाट वगैरह बना हुआ है? ये आमी नदी है और इसके बारे में किस्सा ये प्रचलित है कि कबीर साहब जब यहाँ आ गए रहने के लिए इस पूरे मिथ को तोड़ते हुए, तो यहाँ के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो अब किस्सा है कि वदंती है कि उन्होंने अपने तप से इस आमी नदी की दिशा को मोड़ करके इसके करीब लाया और उसको पानी की सहूलियत लोगों को मिली है। अच्छा। तो ये वो नदी, लेकिन इसकी भी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे गंगा की और तमाम नदियों की, पवित्रता के बावजूद उनके ऊपर ये और कचरे के गार्बेज की तरह है। तो ये सूफी संत कबीर दास जी की स्मृति में कबीर घाट। हाँ। तो कबीर को भक्ति काल के लिए याद करते हैं, सूफी भक्ति ये। हाँ, ये जो है ये मेरे लिए भी एक दिलचस्प चीज दिखी। अमूमन हम लोग जो पूरे भक्ति आंदोलन में पढ़ाते हैं, पूरा जो उसका हिंदी साहित्य का विभाजन है, उसमें निर्गुण पंथ जो है भक्ति आंदोलन का, उसके दो विभाजन बताते हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो संत काव्यधारा में अमूमन हर जाति हर मजहब के लोग जो संत परंपरा को मानते थे, और सूफी परंपरा में वो है जो इस्लामिक ट्रेडिशन से चला आया फकीरों का एक पूरी धारा है। अब मैं ये चिंतित हूँ कि दोनों को जोड़ दिया गया है, सूफी संत साहब को तो वैसे ही पूरा व्यक्तित्व उनका जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब लेकिन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आपकी, उन दोनों को जोड़ना इसलिए भी बुरा नहीं है कि दोनों की धारा लगभग एक जैसी, लगभग एक जैसी। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये घाट है कबीर घाट, और यहाँ पे ज्यादातर समय
ये नदी नहीं बहती है, ये दरअसल बरसाती नदी है, जब बारिश आती है तब इसमें पानी आता है, अभी है। और वहाँ देखेंगे तो सामने वो मुझे लगता है वो शमशान घाट बना हुआ है। हाँ, वो शमशान घाट बनाया हुआ है। कबीर साहब वो आत्मविश्वास बना के गए होंगे ना कि कोई यहाँ मरने से नरक वरक नहीं जाता, वरना यहाँ जो लोग मरते होंगे वो क्या करते होंगे, क्या करते होंगे, आपने ऐसे पाखंड बनाया। लेकिन अब वो वहाँ पे शमशान घाट बनाया उन लोगों ने, वहाँ इस नदी के किनारे लोगों को जलाना अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जी शव जला रहे हैं। तो दरअसल जो ब्राह्मणवाद की जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो यही तो डर दिखाते हैं ना कि भाई फला जगह जाओगे तो वो देवता नाराज हो जाएगा और फिर उसकी आपको सजा मिलेगी या कुछ गलत हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। तो मगहर में जो कबीर ने जो इस प्रथा को तोड़ा, यहाँ दम तोड़ते हुए कहा कि भाई क्या काशी क्या मगहर मगहर उसर, तो ये वही वही है कि लोग उस पे जो भरोसा बताया जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि वो भरोसा कायम करके गए हैं कबीर। हाँ, ये कबीर का व्यक्तित्व तो पूरे भारतीय इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सीधे मुठभेड़ करने वाला है तमाम कुरीतियों पाखंडों अंधविश्वासों से, मुठभेड़ हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत थी उससे मुठभेड़ करना, जाति के नाम पर जो विभाजन था उससे मुठभेड़ करना, और वो ऐसा कद्दावर व्यक्तित्व तो है ना जिसको वो तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि लोग कबीर कोई ऐसे नेता तो नहीं बने ना कि जिसके पीछे हुजूम चले, क्योंकि वो रास्ता बहुत कठिन था, कठिन रास्ता। अब आप पाखंड को ही तोड़ रहे उस दौर में 700 साल पहले। आज आप बोले मैं बोले तो डर लगता है यूएपीएल, आज यूएपीएल लग जाए। मैं तो बार बार ये चिंता जाहिर करता हूँ, वो कथित तौर पर जिनको कहा जाता है कि मुस्लिम आतताइयों का शासन था, फिर भी कबीर साहब ये सब कर गए उस दौर में रहते। और आज होते तो यूएपीए लगाते, जेल में होते या उत्तर प्रदेश में होते। तो देश ने एक ऐसे जो बेकरी प्रसाद के नाम से बनाते, उन्होंने एक तस्वीर भी बनाई थी कबीर साहब की जयंती पे, जिसमें कबीर पीछे जेल के हाथों में वो हथकड़ियां लगी हुई, फिर भी इस देश ने संयमित बनाया। यूपी में होते तो ठोक दिए जाते, फेक इनकाउंटर। ये इस बात को समझना चाहिए, और कबीर का होना मतलब कबीर को देखा ही नहीं गया, कबीर को समझा ही नहीं गया, और उनके नाम पर पाखंड भी चल रहा है। अब देखिए हम जहाँ खड़े हैं, इसके दाहिनी तरफ ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, अब कबीर साहब तो अब ये शिव मंदिर है, अब है ये जगह है कबीर साहब का परिनिर्वाण स्थल, और यहाँ पर ये एक मंदिर बना दिया गया, इसका घाट बना दिया गया, इसके पीछे और मंदिर बना दिए गए, और इवन कबीर को भी अब मठों में कैद करने की कोशिश की जा रही है। जिस काम का विरोध कबीर जैसे शख्सियत ताउम्र करते रहे, मठ मंदिर मूर्तियां, कबीर को उनकी किताबों उनके विचारों से निकाल करके उस मठ और मूर्तियों में कैद करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये जो अप्रोप्रिएट करने की जो रणनीति है कि उनको अपना बना लो और कहो कि हमारे थे और हिंदू के थे या उसके थे, वो रंग रोगन लगाए रहते हैं उस पर, ये उसी के प्रतीक है, ये वही प्रतीक है। और दिलचस्प तो ये भी है कि कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए अब कोई झगड़ा नहीं करता। कबीर हिंदू मुसलमान दोनों के सियासत करने वाले लोगों को अब कोई आकर्षित करने वाले व्यक्ति तो नहीं रहे, कबीर तिरस्कृत कर दिए गए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग उनके हिंदुत्व में कहीं भी इस तरह से कबीर फिट ही नहीं बैठते, न वो कबीर को पूछ रहे न मुसलमान कबीर को पूछ रहे। और आप देखिए ना, ये मजार और मस्जिद, मजार और समाधि स्थल जैसे मंदिर कहा जा रहा है, साथ में बने हुए, लेकिन कबीर को छोड़ दिया गया, कबीर को तिरस्कृत। चार्ज होता है कबीर का, कबीर का विचार, कबीर की जिंदगी, कबीर की अहमियत, और जैसा भारत बनाना चाहते थे कबीर, वो तो सब छूट गया। इसलिए कबीर को ऐसी जगह पर कैद कर दिया गया, और मंदिर के नाम पर इस देश में दंगे करवा लीजिए, रथ यात्रा निकाल लीजिए, चुनाव जीत हार लीजिए, कबीर कहाँ है इस सब में। कबीर की समाधि स्थल ऐसी तिरस्कृत कर दी गई है, इस जगह पर आप एक बुनियादी सुविधा भी नहीं पाएंगे। ये भी आप देखेंगे तो मतलब ऐसा घाट है ये कि लोग यहाँ पे स्नान भी करते होंगे, आते होंगे, और जिनका अंतिम संस्कार होता है वो भी अपने अनुष्ठान करते होंगे यहाँ पर। फिर भी ये हालत मतलब इतनी बुरी है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई वो घाट देखे कितनी बुरी हालत में है। बिल्कुल, तो एक जगह फोकस है अयोध्या में है, वहाँ आपका सारा फोकस है, लेकिन जो इस तरह के महानायक रहे हैं जिन्होंने भारत के ऐसे निर्माण की उसमें अपने योगदान दिया कि सब लोग बराबर रहे, सामाजिक न्याय हो, बिल्कुल वो प्रतीकों पे ध्यान नहीं है। नहीं, अब कबीर बिल्कुल तिरस्कृत इसीलिए कर दिए गए हैं क्योंकि अगर कबीर का भारत बन जाएगा तो नफरत कैसे की जाएगी।
अगर कबीर के सपनों का भारत बन जाएगा तो जाति के नाम पर शोषण कैसे करेंगे आप? इसलिए कबीर को अगर उनका बस चले तो वो तो मिटा देना चाहेंगे, वो बुद्ध को अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे, जो कि बुद्ध ने ताम्र मूर्ति पूजा का विरोध किया, वैसे ही वो कबीर को भी लेकर के इस तरह की। और कई बार होता है ना, आप उपेक्षित करके भी किसी को हाशिए पर ढकलने की कोशिश करते हैं, कबीर के साथ ये क्या है? क्योंकि हिम्मत ये नहीं है कि आप कबीर की मुखालफत कर सकते, कबीर का विरोध आप नहीं कर सकते, इसलिए कबीर को उपेक्षित कर दो। मगहर की ये उपेक्षा ये भारत के नौजवानों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, उन नौजवानों को जिनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कबीर के दोहे नहीं आते। क्या काशी क्या मगहर उसर राम हृदय बसो मोरा, और जो काशी तन तजह कबीरा तो राम कौन नहीं हो रहा। कबीर कितनी मार्मिक बात कहते हैं कि अगर राम, और वो भी राम, ये वाले राम ने, ये वाले राम ने, धनुष्तीर वाले राम ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये कौन से राम है? ये कबीर के राम वो राम है जिन पर दंगा नहीं करा सकते आप। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को राम कहते हैं, उनके राम वो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि वो तो अन्य मर्म है राम के नाम का, तो वो राम ये राम नहीं है। दशरथ के पुत्र राम तो अलग है, इसलिए राम के नाम पर राजनीति करने वालों को भी कबीर प्रिय नहीं लगते, बशर्ते कि कबीर के यहाँ राम की भरमार है। ये विडम्बना देखिए, वो राम का जिक्र जिस संदर्भ में करते हैं, जिन बातों के लिए करते हैं, वैसा आज की सियासत में नहीं है, वो तो एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसीलिए उपेक्षित कर दिया गया है। ये यहाँ आकर कुछ स्पेशल फील हो रहा है कि हम कबीर की धरती पे हैं, जहाँ से उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण बिताए हैं, क्या अनुभूति हो रही है? मैं कभी कभी, देखिये साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहित्य की भूमिका जिंदगी में क्या है, वो आपके रोजमर्रा के जिंदगी में भौतिक उपयोग की तरह से दिखेगा नहीं, वो एक भावनात्मक संवेदनशील होना, और वो जो संवेदनशीलता है जो जिसके चलते हम मनुष्य हैं, जिसके चलते आपने कहा कि सामाजिक प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, उस संवेदनशीलता के बचाए रखने की भूमिका साहित्य निभाता है। और हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी जब साहित्य की नजर से पूरी दुनिया को देखते हैं, अपने अपने विकास अपने वजूद को देखते हैं, तो हमें लगता है कि कबीर जैसे लोग हमारे वजूद में आज भी शामिल हैं। अगर कबीर तब न रहे होते तो आज हम नहीं होते, या इस रूप में नहीं होते। इसलिए जब भी कबीर, गौतम बुद्ध या तमाम वो विरासत के लोग जिन्होंने इंसानियत क्या है इसका मर्म समझाया, उनसे जुड़े हुए किसी प्रतीक के पास जाते हैं, तो एक अलग ही एहसास होता है। बाहर की दुनिया में कितनी नफरत मारकाट हिंसा मची हुई है, लेकिन हम एक अपने ऐसे प्रतीक नायक के पास जब जाते हैं तो दो चीजें महसूस करता हूं। एक तो ये कि इन सब नकारात्मकता में कैसे धैर्य रखें, क्योंकि इससे ज्यादा नकारात्मक माहौल है, वो लड़ चुके हैं, वो बिना हारे बिना लाग लपेट किए बेबाक आंख में आंख डाल करके सच बोलने का नाम कबीर है। जो गलत है उसको गलत कहने का नाम कबीर है। उन्होंने किसी को अच्छा लगे इसके लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो कहा जो सबको बुरा लगता था, फिर भी कहा। ये उपनिषद की बात करते हैं, उसमें लिखा है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात अप्रियम सत्यम न ब्रुवात। सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। उन सारे उपनिषदीय तमाम चीजों को परे रख करके कबीर ने कहा कि चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो सत्य बोलो, जो सच है वो सच है वो बोलो। तो मैं तो ऐसी जगह पर आकर के हिम्मत लेके जाता हूँ, जो दूसरी बात है, हिम्मत हौसला और अपने वजूद से शायद एक साक्षात्कार है ऐसी जगहों पर आना। तो अभी आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं, कबीर के कई सारे प्रतीक हैं वहां लेके चलते हैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है उनके पूरे व्यक्तित्व पर भी कबीर का बेहद दिलचस्प प्रभाव है, बहुत ही प्रभावशाली वो व्यक्तित्व मानते थे कबीर को, अपने गुरु मानते थे, तीन गुरुओं में से एक गुरु मानते थे। तो वो जो कबीरपंथी उनका परिवार था,
और बाबा साहब के विचार हैं जो कबीर के बारे में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कबीर को गुरु मानने में बाबा साहब का जो विचार है वही हमारे लिए एक रोशनी दिखाता है कि गौतम बुद्ध को अपना पहला गुरु मानना, कबीर को दूसरा, और फिर बाद में चलकर कहते हैं ज्योतिबा फूले मेरे तीसरे गुरु हैं। इसका अर्थ ये है कि कबीर किस व्यक्तित्व का नाम है, किस विचार का नाम कबीर है, जिसे बाबा साहब एक नई बनते हुए भारत या यूं कह ले एक समाज के लिए जरूरी मानते थे। उस कबीर के विचार में, कबीर के ख्वाब में एक ऐसा भारत था जैसा भारत बुद्ध से लेकर के फूले, बाबा साहब से लेकर के डॉक्टर लोहिया और तमाम सामाजिक न्याय के लोग मानते हैं। इसलिए कबीर एक रोशनी का नाम है, कबीर एक उम्मीद का नाम है, जिसके लिए बाबा साहब ये कहते हैं। और वो क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब भी ये कहते थे कि भाई दो तीन चीजें इस देश में सबसे बड़ी बीमारी या समस्या के रूप में है। सबसे पहली चीज जाति है, जाति। और उस पूरी बातचीत में कबीर अक्सर ये कहते हैं कि जाति तुम कत बाभन हम कत सूद, और हम कत लोहो तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। यानी क्या तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे धमनियों में शिराओं में दूध बहता है और हम शूद्र हैं तो हमारे में लहू बहता है। एक बूंद ते सब उत्पन्ना, पैदा होने की प्रक्रिया एक है सबकी, तो तुम कैसे ब्राह्मण और हम कैसे शूद्र हो गए। और आप कल्पना करिए कि कबीर के खाबों में जो भारत रहा होगा उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि कबीर मेरे दूसरे गुरु हैं। और बाबा साहब क्या पूरी उसके संघर्ष को भी आप देखेंगे तो कबीर का जो एक संघर्ष है उस पूरी सत्ता के साथ में, जातिवाद की सत्ता और जो एक तरीके की बहुत ही फ्यूडल उस समय की जो पूरी मानसिकता थी उसको चुनौती देते हैं बिना डरे हुए। और बाबा साहब भी लगातार अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे आंदोलन करते हैं, और एक महान सत्याग्रह का आप जिक्र ले लीजिए, पानी पीने का हो, काला राम मंदिर का आंदोलन हो, और वो फिर जो बहुजन समाज जो समय जिनको डिप्रेस क्लास कहते थे उसको भी फिर आगे ले जाने का, पूरा अंग्रेजों के सामने गोलमेज सम्मेलन कहाँ जाना हो जाना, तो मुझे लगता है कि कबीर जो है वो पीछे से उनको जो है ना एनर्जी दे रहे होंगे। बिल्कुल, और आपके सवाल में ही यह बात निहित है कि दरअसल ये सारे लोग अगर अपना एक रिश्ता जोड़ पाते होंगे तो वो विचारों के साथ साथ वो रिश्ता संघर्ष का रिश्ता है, क्योंकि कबीर साहब लगातार संघर्ष करते रहे। और संघर्ष तो ऐसा एक किस्सा तो ये मिलता है कि इस समय का जो मुस्लिम बादशाह था उसने बेड़ियां पहना करके गंगा में डूबने का भी किस्सा था, क्योंकि अक्सर ये हुआ है ना कि भक्ति मूवमेंट या पुराने मिथकीय चरित्र मिथकीय कहानियों को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे एक ताकत संघर्ष की मिलती है तो वो तो कबीर साहब में है। कबीर का पर्याय अगर मैं कुछ ढूंढता हूँ तो बेबाकी एक एक स्पष्ट वैचारिकी और तीखे तेवर के साथ संघर्ष, नहीं बिल्कुल ये लाग लपेट वाली भाषा नहीं कि अपने दौर में जब कबीर लिख रहे थे बोल रहे थे उस समय भी तो तमाम लोग थे वो तमाम दोनों तरफ की तो मीर तो बतर लूट वाली बात कहते थे, और आज भी है, आज भी आज तो और बढ़ रही है उनकी तरह। आज कहां कबीर के नक्शा कदम पर कोई चल रहा है, आज तो कबीर होते तो आज क्या कह रहे होते। कबीर आज होते तो देख करके अफसोस करते कि उनके नाम पर केवल मठ चलते हैं, उनके नाम पर वे सियासतदान भी कभी कभी मत्था टेकने आते हैं जो उनके विचारों में हत्या कर रहे हैं। तो कबीर का संघर्ष, कबीर का ख्वाब और कबीर का होना वो बाबा साहब तो समझ गए, और आज भी कबीर को हम जैसे लोग साहित्य के विद्यार्थी तक तो कबीर को सीमित कर दिया गया। कबीर कबीर का नाम केवल क्या पाठ्यक्रम में केवल उन कविताओं की तरह से पढ़ाया जाएगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता, इससे आगे कबीर बहुत है। और सबसे एक और बात यहाँ पर जोड़ना बहुत जरूरी है कि अक्सर कबीर को हिंदी जगत में जितना कबीर के साथ न्याय करना था उससे ज्यादा न्याय किया। पाठ्यक्रम वाले कबीर, ऐसा लगता है कि कबीर के उन दोहों को जानबूझ करके हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी कबीर से विरक्ति हो जाए, आकर्षण न पैदा हो। आप कबीर के उन पक्षों को रखते, जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बी ऑनर्स पेपर का बता रहा हूँ, आप कबीर की चुनिंदा उन दोहों को बनाते जिसमें या तो वो हठयोग साधना की बात कहेंगे या तो किसी बहुत सामान्य से धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष की बात कहेंगे। कबीर को वो एक फिक्स खांचे में फिट करने की बात है, और फिर उससे
एक अलगाव आ जाए लोगों। पाठ्यक्रम बहुत बड़ी चीज होती है जिसके जरिए आप किसी को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदी जगत में जितने शोध किए, अब तो हरिवंशा द्विवेदी बहुत बड़ा नाम है कबीर पर काम करने वाला, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो पहले माने गए थे उन्होंने तो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1.5-2 पेज की जगह दी, और तुलसीदास पर दर्जन भर पन्ने लिखे, और कबीर के लिए कहते थे कि प्रतिभा तो उनमें बहुत थी लेकिन वो अच्छे कवि नहीं थे। अच्छे कवि नहीं थे। तो हरिवंशा द्विवेदी ने कहा कि प्रतिभा और कविता की बात छोड़िए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, जो कहना चाहते थे खुल के कहते थे, बंद पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दम लाते थे। तो ये जो ताकत थी उसके बाद कबीर को ढंग से पढ़ा समझा नहीं गया। हिंदी की तमाम आलोचकों ने कोशिश की है, हरिवंशा द्विवेदी वजह से मैं नाम ले रहा हूँ, तमाम लोगों ने कबीर की दोहों को ट्रांसलेट किया है, लेकिन वो जो पाठ्यक्रम में कबीर को अब पढ़ाया जा रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि कबीर से दूर भागो, कबीर के करीब मत जाओ। इस तरफ हम देखते हैं लक्ष्मण जी, जी ये कबीर साहब की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर जी, और ये जो है मेरी जानकारी के मुताबिक ये बहन जी ने लगवाई थी ना। बिल्कुल, ये 1997 में सितंबर का महीना रहा होगा, और जब बसपा की सरकार थी, और बहन जी को कम से कम इस बात के लिए तो वाकई याद करना चाहिए कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय के वैचारिक प्रतीक रहे हैं उन लोगों को पर्याप्त तवज्जो दी है, और ये प्रतिमा उसी समय लगवाई गई। अक्सर मैं बात सोचता हूँ भारतीय राजनीति के संदर्भ में कि मूर्तियों को लेकर के एक अलग तरह का विमर्श है कि मूर्तियां बुरी होती हैं, मूर्ति पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन इस देश में तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों की मूर्तियां बनी बनाई गई, तब ये विमर्श नहीं खड़ा हुआ। जब सामाजिक न्याय के प्रतीकों की मूर्तियां बनना शुरू हुई तो अचानक से मूर्तियों पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया, मूर्ति बना दी, पार्क बना दी, पैसा खत्म कर रहे हैं और मूर्तियों को नहीं होना। जैसे बहन जी कहती है ना, ये 1 सितंबर लिखा है 1997 में, 1 सितंबर 1997 को इसका अनावरण हुआ, बहन जी के द्वारा ये अनावरण हुआ, उनके शासनकाल में बनी थी। जैसे बहन जी कहती है कि भाई हमने जो बहुजन महापुरुष थे, महामहिलाएं थी, उनको जो सम्मान दिया वो इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों ने दिया ही नहीं, नहीं। उनका सम्मान किया नहीं, उनके इस तरह के स्मारक या कुछ तो बनाए नहीं आपने, इसलिए हमने दिया। और फिर अभी बहन जी ने अब हमारा काम हो गया, हमने अपने नायकों को, नायिकाओं को जो सम्मान देना था वो दे दिया, अब हमें जरूरत नहीं है। ये समझ चाहिए, मतलब लोगों को समझना चाहिए कि भाई उन्होंने जो काम किया वो अपने लोगों को सम्मान देने के लिए किया, लेकिन उसको प्रचारित बहुत गलत तरीके से गलत मीडिया ने और बाकी लोगों ने किया है। नहीं, इसमें सोचना ये चाहिए कि जिस वंचित शोषित तबके की भारत में आबादी 80-90% बताई जाती है, उनमें कितने लोगों के पास शिक्षा पहुंच पाई है, कितने लोग को यह देश इस काबिल बना पाया है कि वो पढ़ करके जान पाए कि गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, गुरु नानक, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी या शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, इन लोगों को पढ़ करके जाने कि ये लोग क्या थे और उन्होंने क्या काम किया। आपने वो नागरिकों को मौका तो दिया नहीं। तो अब जब सामाजिक न्याय की राजनीति पूरे उत्तर भारत में मजबूत हुई तो उसमें से मानवर कांशीराम और बहन जी या तमाम लोगों ने वह कोशिश की कि जब मूर्तियां बनी, जब इन प्रतीकों को विजुअलाइज करके उनके सामने रखा गया, जब बाबा साहब की मूर्ति एक दलित बस्ती के सामने बनी, तो पूरे समुदाय में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि इस देश को बनाने वाले लोगों में हमारे नायक सबसे आगे रहे, और इस बात का उन्हें पता ही नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था की विफलता, राष्ट्र के बनने की विफलता, इस पर तो आपने कभी बात नहीं की, और आपने मूर्तियों को कहा जो पैसे की बर्बादी। और ये हमारी जो विरासत के जो लोग हैं, अब देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है, मतलब कबीर साहब आदमकद से भी बड़ी मूर्ति है वो, और आप आएंगे तो उनके इतिहास से रूबरू होंगे, उन्हें जानेंगे और उनके व्यक्तित्व की एक झलक मिलेगी कि भाई वो आदमी था कैसा,
जो इस तरह की बात कर रहा था और सामाजिक न्याय जिसके विचार में था, जो जाति को तोड़ता था, ब्राह्मणवाद को तोड़ता था, तो ये मूर्तियां फिजूल खर्ची मीडिया के मुताबिक और लोगों के मुताबिक, लेकिन सरदार पटेल की जो मूर्ति है 3004 वो राष्ट्र निर्माण है। एक चीज और सोचिए, हम लोग बाजारवाद के दौर में है, पूंजीवाद पूरे दुनिया को अपने कब्जे में किए हुए है, और पूंजीवाद का पैटर्न क्या है, विज्ञापन पर सब कुछ टिका हुआ है पूरा बाजार। तो विज्ञापन में एक एक होल्डिंग, एक पदार्थ को बेचने के लिए होल्डिंग, आप किसी भी रास्ते पर चले जाइए 100 बार देखेगी, और 100 बार जिस चीज को देख करके आप 101वीं बार जब उसको अपने दुकान पर देखेंगे तो तुरंत आपके जहन में आ जाएगा कि यार इसका प्रचार बहुत हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है और इसको आप तुरंत खरीदने लेंगे। हाँ। बाजार उस चीज का इस्तेमाल करता है। क्या सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए इन प्रतीकों को विजुअलाइज किया जाना, क्या उस तरह से आप नहीं देख सकते? ये चरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्तियों पर ही ठहर जाना होगा। हमारे ख्वाबों का भारत जो होगा वो होगा कि जिसमें कबीर, फूले, रैदास, बाबा साहब, गौतम बुद्ध, इनकी मूर्तियों की जरूरत ही ना पड़े, वो लोगों के जहन में और जिंदगी में जाए। लेकिन आपने उन्हें जहन में जाने नहीं दिया, आपने उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया, आपने इस देश को जानने नहीं दिया कि फूले पेरियार से लेकर के कबीर, कबीर की अहमियत इस देश को बनाने में क्या थी। तो मजबूरी यही कि अभी फर्स्ट स्टेज है, कम से कम लोगों को जानने तो दो। इस मूर्ति के सामने या इस गांव में, मगहर गांव में जाकर देखिए, लोगों को एक एक लोगों से बात करिए। मैंने बात की उन लोगों को, बाकायदे ये किस्सा पता है कि यहाँ मजार और समाधि स्थल में झगड़ा नहीं हुआ। कबीर साहब कहे कि वो जो बात बार बार आ रही है ना कि मगहर मरे तो गधा होए और काशी मरे तो स्वर्ग देववासी, तो जो गधा होना था कबीर ने कहा कि मैं चलूंगा और मैं गधा होऊंगा। ये कबीर का होना है, और ये मूर्ति के सामने आप बैठते हैं ना, जो भी इसके आसपास गुजरता है वो कबीर से जुड़ता है। फिर अगला स्टेज आएगा जब कबीर जहन में आएंगे, वो एक आत्मविश्वास आता है, साथ ही जो पाखंड है। आज भी हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ में देखें तो भैया शाम के वक्त वहां मत जाइए, उस वाले चौराहे पर मत जाना, उस तरफ ये मत, बिल्ली रास्ता काट गई तो कट गई कुछ, हमारी जो डे टू डे लाइफ में घुसे हुए हैं। और स्वर्ग नरक तो मतलब मरने जीने को तो सबसे अहमियत दी जाती है अंतिम संस्कार से लेकर, और उसमें तमाम तरीके की रूढ़ियां हैं। और कबीर कह रहा है कि भाई जहां तुमने बदनाम किया जिस जगह को, कह रहे हो कि वहां जाके आदमी गधा हो जाता है और जाके वहीं जाके। मैं हिंदी के तमाम नामवर प्रकांड लोगों का एक किस्सा सुनाता हूँ आखिर में। किस्सा ये है कि पूरे जिंदगी जिन लोगों ने वामपंथ का झंडा बुलंद किया, प्रगतिशील खेमे के सबसे नामवर आलोचक रहे, उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाकर के वो भगवान को याद करने लगते थे। तो और दूसरा जो प्रगतिशील खेमा था वो कहता था कि नहीं भाई ये ठीक है, वो एक भाषा का मामला है, वो बोध का मामला है कि भगवान तो एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद भी उन्होंने कहा तो मुहावरा है। कबीर उसी हिंदी जगत में किसी भी ऐसे मुहावरे और भाषा की सीमा को भी नहीं कबूल करते, और वो तो कहते हैं कि मरने के समय आखिर तक जाते हैं सब डर जाते थे। भगत सिंह को उनके पिताजी ने कहा कि भगत अब तो तुझे तो फांसी होने वाली, अब तो वाहेगुरु को याद कर ले। भगत सिंह ने कहा कि अगर आज जब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, अगर आज मैं वाहेगुरु को याद करूंगा तो वो भी नाराज होंगे कि पूरी जिंदगी तुमने मुझे याद नहीं किया और मरते दम पर तुम मुझे याद कर। तो कबीर के सामने खड़े होकर के हमें भगत सिंह याद आते हैं। कबीर की इस मूर्ति के सामने खड़े होकर के हमें उन तमाम लोगों के पाखंड याद आते हैं जिन्होंने जिंदगी भर झंडा किसी और चीज का बुलंद किया, और उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो सारे आस्तिक हो जाते हैं। नागार्जुन की कविता है, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने मेरे नास्तिक को। तो कबीर होने का मतलब ये है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बिना किसी समझौता किए, बिना किसी तरह से झुके, आखिर में आकर के कि अगर मगर मरने से गधा मैं होऊंगा तो मैं मगर में। अच्छा आप कल्पना करिए समित जी कि इस घटना को क्या इतना ही आसानी से देखा जाना चाहिए? ये इतिहास में भारतीय नवजागरण पुनर्जागरण से लेकर के तमाम घटनाओं में इतनी बड़ी परिघटना है जो कबीर साहब की मिसाल कहीं नहीं मिलती। और इसीलिए वो मस्जिद और मस्जिद एक तरफ है, समाधि और मजार समाधि और मजार दोनों एक साथ खड़े होकर के हिंदू और तुर्क के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, एक हिंदुस्तान जिसमें आग लगा दी गई है राम के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने, हम उस प्रतीक के सामने बैठे हैं जो राम का नाम सबसे ज्यादा लिया लेकिन राम के नाम पर एक पतरा लहू भी नहीं बहाया, जिसने राम का नाम सबसे ज्यादा लिया लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों के पाखंड को एक बराबर से चली। अमित शाह भी बोले कुछ दिन पहले
जो राम है वो भरत को उन्होंने रावण से सुशासन सीखने के लिए भेजा। ये तो राम के नाम पर पाखंडी काल्पनिक कहानी है, उसके भी जो चरित्र है किरदार है उसमें भी गालमेल कर दिया। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहन जी को इस रूप में भारतीय राजनीति में मूल्यांकन करना होगा कि उनको अपनी वैचारिक जमीन का अंदाजा था, इसलिए वो शाहू जी, फूले साहब, गाडगे साहब, बाबा साहब से लेकर के कबीर तक की यात्रा कर रही है ना। कबीर को क्या आप दलित कहते हैं क्या? कबीर तो दलित तबके में आते भी नहीं थे। और इसकी मूर्ति कौन बनवा रही है? बहन जी बनवा रहे हैं। कबीर के नाम पर संत कबीर नगर कौन बना रहा है? बहन जी बना रही है। तो ये वैचारिक जमीन के लोग हैं, और जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा, इन लोगों से पूछ लीजिए रामायण तक ढंग से नहीं पढ़े। ये अपर कुपर लोगों की भीड़ इस देश को बर्बाद करने के लिए राम का नाम का इस्तेमाल कर रही है। और कबीर कहते थे कि मेरा राम किसी से नफरत की बुनियाद कर रही है। तो मतलब कबीर जो है वो प्रेम सद्भावना, जो उनका दोहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भयानक होए, तो ढाई अखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, यानी जो प्रेम है, सद्भावना है, भाईचारा बहन चारा है, हाँ उसमें यकीन कीजिए कबीर का संदेश प्यार का संदेश। बिल्कुल, कबीर कबीर होने का मतलब है मोहब्बत, मोहब्बत कबीर का मतलब है इंसानियत, कबीर का मतलब है सब बराबर। और कबीर निराश होते थे, उनके भक्त तो कबीर से पूछते थे, तो वो अपने लिए भी एक दोहा कहते थे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, ये जो गला काटने वाले लोग चारों तरफ है ना उनके बीच में तेरी झोपड़ी है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तो भया दास। इस देश के आम आवाम को पैगाम देने का नाम कबीर है कि ये जो काट रहे गला, जाका गली तुम काटी हो सो फिर काटे तुम्हार। तो मोहब्बत का नाम कबीर है। कबीर मतलब है ना संतो मानस तन गौराना वो कहते थे, और संतो घर में झगड़ा भारी तमाम दोहे वो करते थे, और उसके पीछे एक पारिवारिक जीवन में कैसे एकजुटता आए, इंसान इंसान में कैसे मोहब्बत आए, सब लोग मिलजुल के रहे और सब बराबर रहे। 2021-22 का हिंदुस्तान भारत ये अब उस मोड़ पर खड़ा है कि इसे चुनना है कि वो राम के नाम पर दंगा करने वाले लोगों को चुनता है, या राम के नाम पर राम से भी ऊपर जाकर के एक निर्गुण निराकार की बात करता है ना, एक सुपर नेचुरल पावर की बात कर लेकर, और उसके सामने कहते हैं कि सब बराबर, सब बराबर। तो इस दंगाई दौर में कबीर के सामने बैठ करके हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि कबीर होना एक ऐसे भारत का होना है जो वाकई विश्वगुरु था, है, मगर उसे बदनाम कर दिया कुछ दंगाइयों ने, राम के नाम पर नफरत करने वालों ने। इसलिए आज इनके सामने तो कम से कम ये भरोसा दिलाएं कि हम कबीर के सपनों का भारत बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया कबीर को समझने में। हम पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन आप चूंकि शिक्षक भी हैं, और कबीर को जिस तरीके से आपने, एक तरीके से मैं कहूँ कि मेरी क्लास में मुझे पढ़ाया है, ये एक क्लास वैचारिक क्लास है। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी ज्ञान वृद्धि हुई होगी, ज्ञान वर्धन उनका हुआ होगा ये वीडियो देखकर, और कबीर का जो संदेश मोहब्बत का है उसको वो अपनाएंगे और नफरत को हराएंगे, हम यही कहेंगे आखिर में। तो साथियों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ मैं सुमित चौहान, मगहर संत कबीर नगर यूपी का जिला है, वहाँ से ये मूर्ति बहन जी द्वारा स्थापित इस मूर्ति के नीचे बैठ कर हम ये आपको वीडियो दिखा रहे थे, और ये रिपोर्ट तैयार करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और अजरा परवीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अभी कह दीजिए आपकी बात मान लेंगे। जी सुमित जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसलिए भी सब्सक्राइब करें कि ऐसी स्टोरी आपको मिलेगी, जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़िए। शुक्रिया, अगले वीडियो मिलते साथियों।